आंटी नमस्ते। नमस्ते। तुम? मैं सीमा। एक्चुअली हम लोग रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, तुम लोग नीचे वाले फ्लैट में आए हो। हाँ जी। वो आंटी, मुझे ये पूछना था कि पानी नहीं आ रहा है 2-3 घंटे से। बेटा, आज वो ना टैंक्स जो है क्लीन हो रहे हैं, शाम तक नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा ठीक है। तुम यहाँ अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुए हो? नहीं आंटी, अपने पार्टनर के साथ। हाँ, हस्बैंड के साथ? नहीं आंटी, एक्चुअली ही इज माय बॉयफ्रेंड, पर हमारी शादी होने ही वाली है। ठीक है ठीक है, शाम को पानी आ जाएगा। ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। मैं खूबसूरत नहीं लग रही हूँ, तुम्हारा मूड आज ज्यादा अच्छा है। नया घर और यहाँ पर पहली सुबह। हाँ, मैंने तुझे वो बताया था ना, जो हमारे नीचे वाले फ्लैट में रहने आए हैं। हाँ, तुझे क्या बताऊँ, ये बच्चे तो बिल्कुल ही हाथ से निकल गए। हाँ, तुझे पता है अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अलावा कोई रिश्ता ही नहीं रह गया। माँ बाप की कोई कदर नहीं, उनकी इज्जत की क्या फिक्र करेंगे ये लोग। और क्या, अरे भाई जब यूं ही रहना तो शादी कौन करेगा, जरूरत ही क्या शादी की। नहीं नहीं पुष्पा, देख तू ना रहती है छोटे शहर में। छोटे शहर में अभी भी लाज और शर्म है आंख की। यहाँ पर तो सरेआम बोलते हैं कि बॉयफ्रेंड के साथ रह रही हूँ। बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड नहीं है। हाँ और क्या भाई, देख ऐसा है कि हमारे भी तो बच्चे हैं, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं करते ना, ये सब ना संस्कारों की बात होती है। बिल्कुल। और क्या, उसे ना हादी हो गई है। मैंने नहीं सोचा था कि इतना सरेआम सब कुछ चल रहा है। सुनते ही थे, ये तो देख लिया अपनी आंखों से हमने। हाँ सच में। डरो, इस तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ नहीं। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? हेलो आंटी, हाउ आर यू? ठीक हूँ। आंटी एक्चुअली आप मेरी एक हेल्प करेंगी? क्या बात है? मुझे ना रोहित के लिए गाजर का हलवा बनाना है, आप मुझे बताओगे कैसे बनाते हैं? हमारे घर कोई नहीं खाता गाजर का हलवा, हम नहीं बनाते। रोहित, वो तुमने गैस ऑफ किया था, दूध रखा था मैंने। हाँ हाँ कर दिया था, एक ही बात कितनी बार बोलूं। नहीं बेटा, बस हल्का सा बुखार था, खांसी थी और थकावट थी, पर अब क्या करूं, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई ना। नहीं नहीं नहीं, अब तो परेशान मत हो, आने की जरूरत नहीं है। अरे खाने का देख लूंगी ना, कुछ खिचड़ी दलिया कुछ बना लूंगी। अब शिल्पा को भी तो नहीं आने दे सकती ना ऐसे टाइम पर। डोंट वरी बेटा, आई विल मैनेज। ओके बाय। एक कप चाय हो जाए, मैं बनाऊंगा। हेलो आंटी। आप दोनों? ये आपके लिए खाना। नहीं वो क्या, प्लीज ले लीजिए प्लीज। थैंक यू। और आंटी आप ना खाने की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती हैं आपका खाना हमारे घर पे बनेगा। और ये मेरा नंबर है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो ना तो मुझे कॉल करिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। और ये नहीं दोगे? ओ आंटी, ये गाजर का हलवा मैंने बनाया है यूट्यूब से देख के। मुझे पता है आपके घर पे कोई नहीं खाता है, पर एक बार मुझे टेस्ट करके बताइएगा कैसा बना है।
थैंक यू सो मच बेटा, जरूर खाऊंगा। थैंक यू। ठीक है। सीमा, तुम्हारे पौधे बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ आंटी, आपकी तबीयत कैसी है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हारे हाथ का गाजर का हलवा खा के तबीयत और ठीक हो गई। अच्छा अच्छा, ये बताओ अब कब बनाओगी गाजर का हलवा? जब आप बोलो। ठीक है, कल तुम्हारे अंकल आ रहे हैं, तुम गाजर का हलवा बनाओ, मैं चाहती हूँ वो भी उसे टेस्ट करें। ठीक है आंटी, मैं रोहित से भिजवा दूंगी। नहीं, तुम उसके साथ आना। ओके।